लॉकडाउन वीडियो में हम सीखेंगे बेबी चॉकलेट बुके बनाना। इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रे जिसमें हम अरेंजमेंट देंगे, थर्मोकोल के कुछ पीसेस, चॉकलेट्स जितने भी आप लगाना चाहें, कुछ ऐसे बेबी मोटिव्स, बेबी टॉय, बेबी रिबन्स, सीजर्स एंड ग्लू गन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्रे के अंदर के साइज के अकॉर्डिंगली थर्मोकोल पीस कट करेंगे, और उसके बाद एक उससे एक इंच छोटा, फिर उसके बाद दो पीसेस उससे 2 इंचेस छोटे। अब देखिए इस साइज के लिए आप इसके ऊपर बहुत थिक, अगर आप इसके ऊपर बहुत हैवी प्रेशर डालेंगे तो एक इम्प्रेशन बन जाएगा, तो उस साइज से आप इसको कट कर सकते हैं। इसको बिल्कुल डीप तक आप कटर को डालेगा, अदरवाइज थर्मोकोल जो है वो पूरी तरह से कट नहीं होगा। एक ए साइज कट हो गया जो कि ट्रे के इनसाइड साइज है। एक हमने इससे छोटा निशान लगाया हुआ है और ये दो पीसेस इस साइज के कटेंगे। ये हमारा 9 इंचेस का साइज है, ये 8 इंच का साइज है, और ये 4 इंच के दो पीसेस है। इसको भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे ये सारे पीसेस कटेंगे। ये एक तरीके से हमारा केक शेप के अंदर चॉकलेट बुके बनेगा। जो पहला पीस है उसके ऊपर हम एडिसिव लगा के एक फैब्रिक उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हम फैब्रिक लगाएंगे। फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, तो इसलिए आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। फैब्रिक आप बस थर्मोकोल से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा लेंगे। इसको हम थोड़ा सा एडीसी अप्लाई करेंगे। पर हम ग्लू गन नहीं लगाएंगे क्योंकि थर्मोकोल जो है वो ग्लू गन से खत्म हो जाता है। इसी तरह से हम इस पर भी ये फैब्रिक लगाएंगे। इस तरह से हमारे तीनों पीसेस फैब्रिक लग के रेडी हैं। ये हमारा 9 इंच वाला पीस है, ये 8 इंच वाला है, और ये दो पीसेस इनको जॉइन करके हमने ऊपर में फैब्रिक लगाया, ये 4 इंच वाले पीसेस हैं। अब इनके साइड पर हम रिबन लगाएंगे इनकी फिनिशिंग करने के लिए। हम एक चूँकि बेबी बॉय के लिए बना रहे हैं तो हम ब्लू कलर का प्रेफरेंस करेंगे। इस तरह से हम इस पर रिबन लगा देंगे। आपको सारे रिबन पे ग्लू नहीं लगाना है,
लगाते हुए स्टार्टिंग में और उसकी क्लोजिंग पे जहाँ पे आपको एंड करना है वहाँ पर लगाने से भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से हम इस तरह से तीनों पीसेस रिबन लग के रेडी है। अब इसको हम इस पे फिक्स करेंगे एंड देन इसको इस पे फिक्स करेंगे। ये हम एडिसिव से फिक्स कर सकते हैं, इसको भी सेंटर में प्लेस करके एक केक डिजाइन में हमने रेडी कर दिया। अब हम इसमें चॉकलेट्स लगाएंगे। अब हम इसमें इस तरह से चारों तरफ चॉकलेट्स लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा ग्लू लगाते हुए, बहुत ही हल्का सा ग्लू लगाएंगे। इस तरह से करते हुए हम चारों तरफ चॉकलेट्स लगाते हैं। देखिए इस तरह से हमारे नीचे वाली लेयर पे ये सारा कुछ लग के रेडी है चॉकलेट्स। अब हम सेकेंड लेयर पे लगाएंगे। अब हम सेकेंड लेयर में दूसरी टाइप की चॉकलेट्स लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक फाइव स्टार, एक डेयरी मिल्क, जैसे कोई भी दो ब्रांड की चॉकलेट आप मिक्स कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेंगी। देखिए इस तरह से लगी। अब हम इसको पूरे में अल्टरनेट करके लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा सेकेंड लेयर भी रेडी है। अब हम इस फाइनल लेयर पर चॉकलेट्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी तीनों लेयर्स रेडी हैं। अगर आपको और ज़्यादा चॉकलेट्स देनी हो तो आप इनकी लेयर्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। अभी उनको थोड़ा इंटैक्ट करने के लिए यहाँ पे रिबन टाई करेंगे। देखिए इस तरीके से ये रिबन हम ऐसे इसको टाई कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड लेयर में थर्ड लेयर में। देखिए इस तरह से रिबन लग गया तीनों लेयर्स पे। अब इन गैप के अंदर आपके पास में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो कोई और टाइप की चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, बोज आप भर सकते हैं इसमें ताकि बोज से बाउंसी लगेगा, या फिर आप कुछ इस टाइप के फिलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम पीसेस के अंदर ऐसे छोटी चॉकलेट्स इसे हम डाल देते हैं। इनको आप हल्का सा ग्लू लगा दीजिएगा डाल के इस तरीके से। और आप चाहे तो इनकी लेयर्स भी बढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ी सी और भी ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद में इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स हैं, ये आपको फ्लॉरस के यहाँ आराम से मिल जाएंगे। आप इस तरह से इनको रख सकते हैं। देखिए इस तरह से इसकी लुक आ गई है। अब हम यहाँ पर टॉप पर ये टॉय लगा देंगे। टॉय आप टेडी बेयर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई शोपीस मिल जाए तो वो भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बेबी बोज लगाएंगे। बेबी बोज सीखेगा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमने ये एक लूप बनाया, इस लूप को हमने यहाँ से होल्ड किया, फिर इस तरफ से हमने एक ही लूप बनाया, इधर से ये रिवर्स हो जाएगी। जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से हमने इस तरह से इसको पूरी बो को होल्ड करते हुए इसको खींच लिया। देखिए एक डिफरेंट टाइप की बो रेडी हुई है। इस तरह से हम बहुत सारी बोज बनाएंगे जिससे कि हम ये वाले बुके को सजाएंगे। इस तरह से हमारी 15 बोज रेडी है। अब हम इसके
बैक में लगाने के लिए एक पैन बनाएंगे, जिससे कि इसकी जो ब्लैंकनेस है वो खत्म हो जाए। फिर हम 8x12 का पीस कट करेंगे, सेम फैब्रिक का जो हमने थर्मोकोल के ऊपर लगाए हैं, और इसको सेंटर से लेते हुए इस तरह से बारीक पैन बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस डालते हुए। वायर से टाई कर देंगे, अगर वायर ना हो तो आप थ्रेड से भी टाई कर सकते हैं। इस तरह से पैन बन गया, इसको हम बीच में से ऐसे हाफ करते हुए इस टॉय के बैक पर लगाएंगे इस तरह से। अब हम ये बोस टॉयज के आसपास और यहाँ पर कहीं कहीं हम लगाएंगे, जिससे वो अच्छा सा बाउंसी लुक आ जाए। देखिए इस तरह से हमने जगह जगह बोस लगा दिए, जो कि 15 बोस हमने रेडी की थी, इस तरह से ये लगा दिए। अब एक मोटिफ हम फ्रंट में लगा देंगे यहाँ पर। हमारा बन गया बेबी चॉकलेट बुके केक। तो देखिए ये हमारा सुंदर सा बुके रेडी हो गया है। ये आप किसी भी ओकेजन पे, जैसे बेबी बर्थडे पर या बेबी शार पे, आप इसे गिफ्ट दे सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।